राम राम सारा ने स्वागत आप सबका फिर तुम्हारे एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैं पहुंच रही हूँ घर पे, यानी कि मैं मायके आ रही हूँ। गोलू अपनी नानी के घर पे रुक रही है, मामा के घर पे, मामा मामी के पास। ओए होए, आवाज सुन गई आपने, आवाज पहचान भी ली होगी, वो कौन है? हाँ, ये है मेरा डुगू, मेरा गोल गप्पू, यानी कि मेरा भांजा। और इसकी भी पेपर खत्म हो गया। कौन सी क्लास में हो गया तू? मैं फोर्थ बी क्लास में हो गया। ये फोर्थ बी में, बी का मतलब यूं ना है कि रद्दी है छोरा। बी का मतलब यूं है कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई थी, इसमारे ए और बी सेक्शन में कर रखी है। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे दलगोना कैंडी। इसका दिमाग चल रहा है, इसके पेपर खत्म हो गए थे। यो भी आ गया रुकने की, मैं भी दीदी के पास रुकूंगा, गोलू के पास। तो फिर यो आ गया था कल और हम आए थे परसों। तो गाइस हम अब बनाएंगे दलगोना कैंडी। इब हम सुबह उठे थे, हमने झाड़ू पोछा, मेरा सारा काम हो गया। इब हम खाना पीना बनावेंगे कुछ, और जिद लगा रहे हैं। हम कहे थे कि आज हम आलू के पराठे बनाओगे, लेकिन जिद लगा रहा है कि बनाना है दलगोना कैंडी आज हम बनाएंगे। बताइयो, तुमने कदे नाम सुना? तो मैंने तो आज पहली बार नाम सुना, और जिद लगा रहा है कि मैंने तो बनवानी है, तो बनवानी है। दलगोना कैंडी खाने में बहुत अच्छी होती है। इसने किसी की वीडियो में देखी होगी डलगोना कैंडी के हुआ है, तो मेरे पीछे लग रहा है कि मौसी बनाओ बनाओ बनाओ। एक बार ट्राई करके देखूं के सिस्टम हुआ क्यूकर बने हैं। अच्छा, मैंगो बाइट से बनेगी, तो एक बार मैं आपने भी दिखाऊंगी क्यूकर बनवावे है ये। चलो गाइस आज हम चीनी डालू। यस गाइस, आप देख सकते हैं किसके ऊपर है ये चीनी, और हमको इस कैंडी को मेल्ट करना है। मैंगो बाइट को हमको करना मेल्ट। मेल्ट करते हैं, चलो गाइस मेल्ट करते हैं। गैस चल रही है। पीछे लाग रहा था इतनी देर तक, ये बना दे ये बना दे, मेरे तो समझ में भी ना आया कि ये सिस्टम है। चीनी है और मैंगो बाइट है, ये इसकी बनगी डलगोना कैंडी। बबल्स निकलने शुरू हो गए इसमें, ये देखेंगे इसमें बिरयानी किसा टेस्ट आवेगा। देख सकते हैं कि मेल्ट हो गई, इसको घुमाओ, पलट दो। हाँ, मेल्ट कर दो इस डलगोना कैंडी को, और बटर पेपर के ऊपर रख दो। बटर पेपर कहाँ से लेके आऊँ? कोई बात नहीं, वैसे एक प्लेट के ऊपर रख देंगे। ये नीचे वाली बन रहेगा कैंडी? हाँ, ये तो जल रहा है सब कुछ। नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होती है ये। गाइस आप देख सकते हैं डलगोना कैंडी हमारी रेडी हो चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी मेल्टिंग करनी बाकी है, थोड़ी थोड़ी है। ये पूरी मेल्ट हो गई, और ये देखो इतनी गंदी चीज बन गई है। गाइस देख सकते हो खुशबू तो इसकी अच्छी आ रही है, मेरे तक तो ऐसा लग रहा है जैसे ने तुम उसे डोसा बना लिया है, और वो डोसा जल चुका है। गाइस देख सकते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गंदी चीज बनाई है। तो देखने में तो ऐसा लगा कि पूड़ा बना दिया, पूड़ा। और गाइस ऐसे देखने में लग रहा है जैसे तू पैनकेक लग रहा है, बिल्कुल ही पैनकेक। और हम दोपहर में ट्राई करेंगे पैनकेक का। दीदी रुक गई तो पैनकेक बना ले, मैं करूंगी। अगर दीदी रुक गए तो हम पैनकेक बनाएंगे। अब कैसे उतारूं इसको? अब इसको एक प्लेट में उतारो। चम्मच में ले लूं सारी? नहीं, यस इसको थोड़ा सा सूखने देना, फिर इसको हमको एक शेप देनी है। टेस्ट करके बताना गाइस वो कैसा है। गाइस देखते हैं, मैं टेस्ट करके बताऊंगा, पहले हमको इसको थोड़ी देर ठंडा करना है। तो गाइस मैं प्लेट लेकर आता हूँ जिसमें हम निकालेंगे थोड़ी निकल गई है ये थोड़ी सी कैंडी। चम्मच में निकाल दी मैंने, कोई बात नहीं, इसको सूखने देना है, ऐसा पूरा खुल के करना है। तो ये बन गई है, ये चीज तैयार हो गई है इसकी। इसमें थोड़ी देर उसमें धूप में रख देंगे, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो पीछे इससे एक शेप देनी है, फिर देखेंगे किसी डलगोना कैंडी बनी है इसकी। शक्ल तो देखने में तो चमन प्रासी सी लग गए हैं। प्लेट में निकालो, इसने एक शेप देनी है, लेकिन यह तो इस चम्मच में बन गई है। बस बन गई। हाँ गाइस, ये इसके अंदर निकल नहीं रही है। गाइस तो हम इसको टेस्ट करके बताते हैं फटाफट, मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। अभी गर्म है ये, अभी थोड़ी सी गर्म है, हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। बस हमको 20 सेकंड तक इसको हमको थोड़ी देर फ्रीज में रखना है, ठीक है? 20 सेकंड तक। हाँ ठीक है, बंद करो। गाइस तो मैं अच्छा आ चुका हूँ फ्रीज वाले रूम में, और हम रखेंगे डलगोना कैंडी को फ्रीज के अंदर। तो गाइस चलो कैंडी को फ्रीज में रखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैंने डलगोना कैंडी को फ्रीज के अंदर रख दिया है, तो हमको 20 सेकंड्स के लिए रखना है।
गाइस तो मेरी डलगोना कैंडी निकल के आ चुकी है, देख सकते हो। चलो हम इसको खा के देखते हैं। मैं भी बर्तन छोड़ के इसका टेस्ट देखना खाता रही, पहले किसी लग गई। बहुत टेस्टी यार, मैं तुम उसी को भी ट्राई करवाते हैं। गाइस इसमें बहुत ही गंदी है ये, बहुत बेकार है, बहुत ही ज्यादा बेकार। YouTube पे देखा था तो बहुत मीठी मीठी बता रहे थे इसको, तो गाइस पर ये तो बहुत कड़वी है, बहुत गंदी है। जैसे ना कोई बच्चे की दवाई होती है ना कड़वी, तो दवाई फ्रिज में जमा रखी है, इतनी गंदी लग रही है, सच बताऊं तुम। फेंक दे इसको। और गाइस ये सच में इसका टेस्ट भी बहुत गंदा, बिल्कुल कड़वा है, तो कोई भी ट्राई मत करना। तो गाइस गाइस कोई भी ट्राई मत करना, मैं पहले बता रहा हूं। मैंने बोला था अगर अच्छा बनेगा तो करना, ट्राई करने के लिए मैं हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं कैसे बनता है ये सारा। तुम मैं ना दवाई रेसिपी मैं आपको, ओए सबको ना मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, बोलना हेलो गाइस, हेलो गाइस, ठीक है। चलो गाइस, गाइस तो ये है मेरे रौनक मामा और ये है मेरी अन्नू मामी। हेलो गाइस, तो दिखने दे। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, और ये है मेरी नानी, आप देख सकते हैं। हेलो हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, ये मेरी नानी है और गाइस चलो मैं आपको किसी और से मिलवा के आता हूँ। गाइस ये मेरी नानी है, ये मेरी नानी है। हेलो गाइस बोल दो सबको। गाइस गाइस राम राम सब। तो गाइस मैंने आपको मेरी पूरी फैमिली का को बता दिया। तो गाइस चलो अब हम सारी बुद्धि ना खाना ना एक आधी चीज दो खाए, खाने की छोड़ दे, फेन यू का माया छो मावे नानी। प्रसाद किसान ने दी थी रे कल 50 रुपए मंगाई थे का, तबे मिठन जी करके मंगाई ना दिला था। गाइस गाइस देखो रौनक और नानी की हो चुकी है यहाँ पे लड़ाई, देख सकते हो नानी कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। और हाँ चलो मैंने आपको हमारे मेन गेस्ट से तो मिलाया नहीं, चलो मिला दो। गाइस गोलू के बाल उतर चुके हैं और समोसे बना रही है पराठे, मैं आपको दिखा। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में कोकेशन है, मैं पूछता हूँ नानी और मम्मी को कि उनको याद है या नहीं है याद। तो गाइस मामी हमारे घर में जो ओकेजन आने वाला है आपको याद है क्या? मम्मी को है याद और नानी को भी शायद याद है। तो हमको किस किस को बुलाना है, किस किस को बुलाना है ओकेजन पे? अनु मामी हमें किस किस को बुलाना है ओकेजन पे? अनुमा बोल रहे पता नहीं। तो गाइस उनको पता नहीं कि वो ओकेजन है भी या नहीं है। गाइस तो हमारे बाल काटने वाला बाल कटवा ले, रख दे इसको। गाइस तो आज हमारे घर में बनेंगे आलू के पराठे, तो देख सकते हैं कि वो सारे तो बाहर हैं और मैं यहाँ पे अंदर बैठ के थोड़ी सी रील्स वगैरह बना रहा हूँ। तो गाइस अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे तो आप अपनी आईडी मेरे को बता सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गोली रो रही है। हरी मिर्ची लेने फ्रीज में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं ले रहा हूँ यहाँ से हरी मिर्च, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ली है 5 हरी मिर्च, देख सकते हैं आप, मैंने ली है पूरी 4 या 5 हरी मिर्च, आप देख सकते हैं। और ये हमारे पराठों में डलेंगी इतनी। और गाइस देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ और अन्नू मामी बोल रहे थे इतनी सारी मिर्ची। तो गाइस नानी लगा रही है आटा और नितू मौसी पिला रही है बेबी को दूध और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। पराठों की तैयारियाँ चल रही है,
देख सकते हैं कि हमने आलू मैश कर दिया है स्पून से, और हम इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के और इसका पराठा बनाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा आलू के पराठे का मसाला रेडी हो चुका है। गाइस तो मासी बोल रही है कि पराठे मैं बनाऊंगी, और मैं बोल रहा हूँ पराठे मैं बनाऊंगा। तो गाइस आप भी बताओ कमेंट करके कि कौन बनाएगा पराठे। और आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी दी है हर्ष, जोनित, अनविका, अनविका जो गोलू है, और गाइस नितो मौसी को देख सकते हो। तो गाइस हम बना रहे हैं यहाँ पे आटा, और नानी बोल रही है कि तुम हम हो जाएंगे 25 साल के पूरे 25 साल के 4 अप्रैल को अपने घर में फेस्टिवल आने वाला है ना, अपने घर में यहाँ पे ओकेजन आने वाला है ना। और हाँ गाइस हमारे घर में यहाँ पे ओकेजन आने वाला है, उसका भी व्लॉग आपको जरूर दिखाएंगे, और उसका भी हम आपको व्लॉग जरूर दिखाएंगे, जरूर जरूर बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। गाइस तो आज होगा मेरे बालों का आखिरी दिन, तो आज गोलू के भी बाल कटेंगे और उसके साथ मेरे भी बाल कटेंगे। तो ये मेरे बालों का मेरा आखिरी दिन है मेरे बालों का, और गोलू के बाल भी आज कटेंगे। तो आज मेरे घर में बनेंगे आलू के पराठे, और वो भी घी में। गाइस आप देख सकते हैं नीतू मौसी मेरे आलू के पराठे, मैं सुबह से मेरे लिए बना रही सिंपल पराठा, क्योंकि मेरे को सिंपल पराठा पसंद है। और ये मैंने चटनी है माई चटनी, और यहाँ पे नीतू मौसी पराठे बनाते हुए आप देख सकते हैं हमको इनको ऐसे ऐसे पकाना है तब तक ये गोल्डन एंड ब्राउन नहीं हो जाते। टमाटर तो हमने अभी डाले हैं, शिमला मिर्च होती है तो और अच्छे लगते हैं सैंडविच, और पनीर मेरे मामू लेने गए हैं रौनक मामा। गाइस तो मैंने आपको ये तो दिखा दिया। गाइस ये मैंने खीरे कट कर रखे हैं, ये हमारे आलू है, ये हमारे आलू है, ये हमारी सॉस है, ये हमारी ब्रेड है। गाइस तो मैं नहा चुका हूँ, और छोटी बेबी भी नहा चुकी है, तो अब मैं नीतू मौसी के साथ करूँगा एक प्रैंक। और तो नीतू मौसी गए वॉशरूम में, और मैं वॉशरूम के पास खड़ा के वॉशरूम के पास खड़ा हो जाऊँगा और नीतू मौसी को भू कर दूंगा। गाइस देखते हैं तो सारा है।